अब हम बात करते हैं आज की हमारे अपनी क्लास में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ सीट्स, वर्कबुक सीट्स एंड रेंज के ऊपर डिस्कशन किया था। साथ में हमने फॉर्म, एक फॉर्म पे डेटा एक सीट से दूसरे सीट पे कैसे लाएंगे, डेटा कैसे टाइप करेंगे, इसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। आज हम वीवीए माइक्रो के प्रोग्रामिंग की क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा की फॉर्मेटिंग से, किसी पर्टिकुलर रेंज को कैसे फॉर्मेट किया जाए, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सर, तो आज हम इस सेशन में सबसे पहले बात कर रहे हैं रेंज की फॉर्मेटिंग, एक रेंज को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। एक मिनट दीजिए, देखिए यहां से अगर कोई मॉड्यूल्स आपके पास है जो बहुत फालतू हो गए हैं तो उसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव मॉड्यूल टू, अगर आप सेव करना चाहो तो सेव भी कर सकते हो। देखिए एडवांस सेक्शन की फॉर्मूला हमने एक क्लास में दे दी, हमारी ऑनलाइन होती है। फिलहाल मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास के बाद आपसे बात करूँ। तो मॉड्यूल्स को रिमूव इस तरह से किया जा सकता है, दिख रहा है ना आपको सर? सारे मॉड्यूल्स को ऐसे रिमूव कर सकते हो, अगर फालतू मॉड्यूल्स अगर ऐड हो गए हो या फिर मॉड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसको सीव कर सकते हो। ऐसे एक मॉड्यूल लर्निंग मॉड्यूल 6। और हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और को भी सब्जेक्ट का नाम ले लिया हमने फॉर एम फॉर्मेट के नाम से, ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेंज में हम फॉर्मेटिंग कैसे करें। उसके लिए एक हम कुछ डेटा ले लेते हैं, डेटा रहेगा फिर फॉर्मेटिंग को हम ध्यान से यूज करते हैं। और इसके ऊपर हम पेज कर, अब यहां पे हम देते हैं रेंज A1 से अपना दे दीजिए जो भी आपका फॉर्मेटिंग एरिया है, और A1 से G68, तो G68 हमने डाल दिया, G68 में G14। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट की, ये फॉन्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे दिया हमने फॉन्ट, फॉन्ट में क्या क्या आता है, कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा जो होता है वो आप दे सकते हैं, या फिर आप कलर देने का एक और तरीका है कि आप यहाँ पे RGB रेड ग्रीन ब्लू और उसमें आप उसके नंबर दें। आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से कलर का RGB कलर क्या है, इतनी दिक्कत हो सकता है ना हमारे पास। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में यहाँ हमारे पास कोई कलर अप्लाई करते हो तो यहाँ मोर कलर में चले जाओ, यहाँ कस्टम पे तो कोई भी कलर सिलेक्ट करोगे तो उसका RGB नंबर आपके सामने, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर लिया कलर उसका RGB नंबर ये, और आ सकते
या फिर हमारे पास यहाँ पे रेंज, एक और तरीका है यहाँ पर कलर अप्लाई करने का, वो है डॉट कलर इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे 0 से लेके 56 तक का नंबर होता है हर कलर के लिए, तो आपको याद करने पड़ेगी अप्लाई। कॉल 7 की हेल्प में तो कलर इंडेक्स का पूरा टेबल आ जाता था, इसमें नहीं आता। एक चीज प्रॉब्लम है कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर कई मेंबर्स अप्लाई करने हैं, तो हर बार मुझे वो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे विथ कमांड दे दें कि विथ, और यहाँ पे आप वो ऑब्जेक्ट डाल। अब आपको जस्ट यहाँ पे देना होगा कि फॉन्ट नेम क्या होना चाहिए, तो एरिया जो फॉन्ट का नाम है वो आप यहाँ पे डाल। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिएगा। रिकॉर्डिंग का परमिशन क्यों की है तुम जी, प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिए। आप रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? Alt प्लस R से कर लीजिए। डॉट साइज, हम कलर साइज दे देते हैं यहाँ पे कि भाई साइज 15 है। डॉट ये हो गया आपका रेंज का, फॉन्ट का नेम, कलर, साइज। अगर हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड इक्वल टू ट्रू, नहीं करना है तो फॉल्स, नहीं करना तो नहीं भी दे सकते हो आप। इटैलिक, इटैलिक के लिए इक्वल टू ट्रू। डॉट अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू। डॉट इसमें इतना ही होता है ना, जब आपका खत्म हो जाए तो यहाँ पे कर दीजिए एंड इस तरह से लगाने का तरीका। अगर एंड भी इतना लगाओगे तो ये आपको इतना जो है हर लाइन के आगे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा टीडीएस जॉब हो जाएगा। तो फिफ्थ कमांड इसलिए होता है। तो एक रेंज के ऊपर वीवीए के थ्रू फॉन्ट कैसे अप्लाई करेंगे समझ में आ गया? हाँ जी। और विथ कमांड किसके लिए इस्तेमाल होता है ये भी समझ में आ गया? तो सर विद सिर्फ इन्हीं के साथ यूज होता है, फोन के साथ यूज होता है। बस आपको ऑब्जेक्ट दे दीजिए, बाकी ऑब्जेक्ट के मेंबर, इसे एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे मेंबर देने हैं ना। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि ये तो हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें अगली टॉपिक की, तो अगली टॉपिक ध्यान से देखिए क्योंकि इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा सर। सर ये बीबी रेड क्या है सर? वर्ड क्या बीबी रेड जो पहली लाइन है सर, एक कलर है ना, रेड देना, ब्लू देना, ये अभी बता रहा हूँ, ये दोबारा बता रहा हूँ, चिंता ना करो। अब जैसे कि मुझे इसकी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करनी है, तो बैकग्राउंड फॉर्म कलर के लिए हमारे पास होता है इंटीरियर, इंटीरियर डॉट कलर। अब कलर में आप दे सकते हैं वीवी रेड, ग्रीन, ब्लू, श्याम, मजेंटा, जो कलर होता है वीवी व्हाइट, ये दे सकते हैं आप। या फिर आप दे सकते हैं यहाँ पे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, यहाँ पे RGB, और RGB में अपना कलर कोड दे दीजिए। तो कलर जहां भी आएगा इसी मेथड में आएगा, ठीक है। तो फॉन्ट के बाद बैकग्राउंड कलर आ गई, उसके बाद बात करते हैं बॉर्डर की। अगर मुझे लाइनिंग बॉर्डर देना है तो क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास होगा बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स में हम यहां देंगे बॉर्डर का लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। अब इक्वल टू 1 क्या है? तो इसमें हम जो बॉर्डर लगाते हैं तो हर बॉर्डर का अपना, अब इसको समझने के लिए अच्छा होगा कि आप इसकी रिकॉर्डिंग करें तो आप इसको बेटर समझेंगे। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया एक माइक्रो और हमने इस पे ऑल बॉर्डर लगा दिया। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद आप इसकी कमी है मॉड्यूल उसमें चले, देखिए एक्सेल कंटिन्यूअस, समझ गए? और बॉर्डर का अपना अपना, जैसे कि हम कोई बॉर्डर लगाते हैं ना, तो देखिए क्या होता है कि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा अलग आता है। रिकॉर्डिंग में आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो
जो सिलेक्शन है हमारा, पहले तो इसने यहाँ रिकॉर्डिंग की समझिए उसे भी फायदा है कि सबसे पहले इसने जितने भी पहले से लगे हुए बॉर्डर थे उसको इसने हटा दिया, नया कोड सीखने का आता है बॉर्डर। अब इसमें एक देखिए विथ कमांड दिया हुआ सिलेक्शन बॉर्डर्स, अब यहाँ पे एज लेफ्ट एक्सेल कंटिन्यूस। अगर आप अपना अपने कोड की बात करें हम, कि हमने लाइन स्टाइल इक्वल टू एक्सेल वन लिखा हुआ या फिर एक्सेल कंटिन्यूस लिख सकते हैं, इसके अंदर में हमने ब्रैकेट में कोई लिखा नहीं हुआ है। अब होता क्या है कि जब आप कोई बॉर्डर अप्लाई करते हो तो एक सेल के बॉर्डर के कई पार्ट, जैसे एक लाइन स्टाइल आप कौन टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट दिख रहा है आपको, लेफ्ट राइट दिख रहा है आपको, ये सब बॉर्डर के पार्ट्स। आपको कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना है वो आपको ब्रैकेट में लिखना हो, दिख रहा है सर? हाँ जी। डाउन अप बॉटम लेफ्ट राइट टॉप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखा आपको? हाँ जी। ये कोई एक पर्टिकुलर बॉर्डर चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन सारे बॉर्डर चाहिए तो इसमें हमें बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं। बॉर्डर के साथ साथ आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि उसकी उसकी लाइन कैसी होनी चाहिए, जैसे कि उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका साइड क्या होना चाहिए, उसकी विड्थ थिन या थिक, या दो चीज होती है थिन या थिक, समझ गए? हाँ जी। थीन मतलब पतला, थीक मतलब मोटा। और बॉर्डर में हमारे पास बॉर्डर का स्टाइल होता है ना, यहाँ पे जैसे हम राइट क्लिक कर लिया फॉर्मेट में, ये देखिए होता है एक्सेल कंटिन्यूस, मतलब कि ए लाइन चाहिए, राइट, डैश डॉट डॉट डैश डॉट ए का, और इसमें ए आ गया थीन और थीक, ये हो गया थीन, ये हो गया थीक, शॉर्ट सेट होता है। अगर मान लीजिए कि मैं बॉर्डर में गया, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ एक बार, और मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल गया और इसके बॉर्डर में मैंने ए लगा दिया, हमने ऊपर वाले बॉर्डर में ए दे दिया और नीचे वाले बॉर्डर में हमने ए दे दिया, ताकि आपको सब पता चल जाए यहाँ पे ए दे दिया, सॉरी ये नहीं हुआ, ये वाले बॉर्डर में हमने ए दिया, एट को हमने डॉट यहाँ दे दिया, को हमने इनसाइड दे दिया, ये इसको हम आउटसाइड। अब देखिए क्या बॉर्डर के टाइप्स आएंगे वहाँ पे, इसकी रिकॉर्डिंग मैक्रो, तो यहाँ पे हमने इसका रिकॉर्डिंग मैक्रो हुआ है मैक्रो टू में, देखिए सिलेक्शन डॉट एक्सेल डायगोनल डाउन, यहाँ देखिए लाइन स्टाइल का हो गया एक्सेल डैश, ठीक है, ऑटोमेटिकली कलर क्या है, ऑटोमेटिक कलर होगा, सेट जीरो है, यहाँ तीन हो गया एक्सेल डैश तीन, एक्सेल कंटिन्यूस, यहाँ देखिए एक्सेल हॉर लाइन, एक्सेल डबल, अलग अलग बॉर्डर का अलग अलग साइज का अलग अलग नाम। अब इसको एक बार एक्सेल देखिए, यहाँ पे विड्थ एक्सेल मीडियम, ये आपको अपने हिसाब से याद करने होंगे। बोलो समझ में आ गया? हाँ जी। विश्वनाथ जी विकास जी समझ में आया? आ गया सर समझ। ठीक है, तो बोलो आप अपने हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। बॉर्डर के बाद आता है हमारा अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट को भी रिकॉर्डिंग माइक्रो को थ्रू ही समझिए तो बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, दो अलाइनमेंट होते हैं ना, एक ही अप्लाई किया तो पूरा आ गया। देखिए सिलेक्शन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, यहाँ पे क्या है आपका एक्सेल जनरल, मतलब कोई अप्लाई जो जनरल वही चलेगा, इसमें सेंट्रल एक्सेल लेफ्ट एक्सेल राइट एक्सेल सेंटर टॉप मिडल बॉटम होता है इसमें, यहाँ आएंगे ना तो देखिए आपका लेफ्ट लाइट, यहाँ पे आपका होता है सेंटर, ये होता है आपका राइट, ये होता है आपका
अलाइन में बॉटम मिडल ये आपका होता है टॉप। तो जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट में उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको देते हैं। आपको रैप टेक्स करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओरिएंटेशन बढ़ाना है तो कितना डिग्री बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। ओरिएंटेशन समझते क्या होता है? स्पेस। क्या होता है ओरिएंटेशन विकास जी? विकास जी यस सर, ओरिएंटेशन क्या होता है? सर ओरिएंटेशन जो हम लोग सर जो टैक्स लिखते हैं उसको कभी वर्टिकल लिखते हैं कभी हॉरिजॉन्टल लिखते हैं या फिर अंदर जाके सेल प्रॉपर्टी में उसका एंगल चेंज करते हैं। एंगल जो चेंज करते हैं हाँ सर, डिग्री कितना डिग्री एंगल चेंज करेंगे ओ ना, डिग्री चेंज करना है तो कितना डिग्री चेंज करना है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। एड इंडियन मतलब कि स्पेस देना है, ये आपका इंडियन होता है ये देना है तो ट्रू कीजिए, और ट्रू करने के बाद क्या देना है प्लस में या माइनस में ना वो लेबल देना पड़ेगा। स्ट्रिंग टू फिट करना है, रीडिंग आपको क्या करना है और सेल को मर्ज करना या मर्ज नहीं करना है, समझ गए? तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको सब देना है, जो जरूरत है वही आप कोड में लिखेंगे और जो जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वो डिफॉल्ट रहेगा, जो डिफॉल्ट अप्लाई होता है डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है सर? हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है नंबर फॉर्मेटिंग। तो हमने बॉर्डर पढ़ लिया, हमने फॉन्ट पढ़ लिया, हमने अलाइनमेंट पढ़ ली, अब बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। जैसे कि डेट की फॉर्मेटिंग करनी, टाइम की फॉर्मेटिंग करनी, परसेंटेज की फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रेंज, सिलेक्शन है तो सिलेक्शन दीजिए, रेंज है तो रेंज दीजिए, रेंज A1 से G14 डॉट नंबर फॉर्मेट, समझ गए? नंबर फॉर्मेट और उसके बाद क्या फॉर्मेट देना, परसेंटेज देना है तो 0.0% हो जाएगा। अगर आपको डेट का फॉर्मेट देना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको /mm/yyy, तो डेट का फॉर्मेट होता है। आपको टाइम का फॉर्मेट देना है तो यहाँ लिखना है आपको /mm/ss। मतलब कि जो आपका यहाँ नंबर फॉर्मेट के अंदर कस्टम में होता है, जो आपके यहाँ कस्टम पे होता है वो सारी फॉर्मेटिंग आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जर्नल में होता है 1:1 लिखा रहता है जबकि नंबर में 1:1.00 लिखा होता है, हाँ जर्नल वाला कैसे करेंगे? जर्नल वाला तो जर्नल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं ना, जर्नल तो जर्नल ही होता है। ओके, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप जर्नल, ठीक है, शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने में कभी कभी कोई कोई सिस्टम लेता है, कोई सिस्टम नहीं लेता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नंबर फॉर्मेटिंग आ गया। अब नंबर फॉर्मेटिंग के बाद अब बात करते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा पेचीदा है, इसको ध्यान से देखिएगा, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग में ही देखिएगा। ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग कर लिया तो फिर रिकॉर्डिंग इसलिए बता रहा था कि आप भी समझ जाए, करके देख लिया कोड नहीं याद रहा तो कितने देर कर दिया, अब कलर अप्लाई कर लिया। अब देखिए इसका कोड क्या बना, ये रहा, ये बीच में जो लाइन होता है ना
तो हम बाद में बात इस बात अभी बात करते हैं बाद में। यहाँ देखिए पहले इसको देखें, इसमें सबसे पहले कंडीशन आ रहा है सिलेक्शन फॉर्मेट कंडीशन डॉट टाइप क्या है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्यों हुआ क्योंकि वहां पे एसएपी टेस्ट भी होता है और वहां पे आपका डेटा बार वगैरह भी होता है तो यहाँ पे डिसाइड करना है। ऑपरेटर क्या है एक्सेल ग्रेटर क्योंकि ग्रेटर कर लिया तो यहाँ पे तो अगर आप लेस कर लेंगे तो एक्सेल लेस देन आएगा, बिटवीन लेंगे तो एक्सेल बिटवीन आएगा और फॉर्मूला और मतलब कंडीशन क्या है हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है तो यहाँ पे आपके अपने फॉर्म को फॉर्मेट में या हमारा इंटरव्यू फॉर्म होगा इसमें से फॉर्म देना है। दो चीज समझ में आ गया ये लाइन और ये लाइन विद्यार्थी एंड विश्वजीत जी समझ में आया एन जी सर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सेट प्रॉपर्टी। अरे प्रॉब्लम क्या होता हो सकता है कि पहले से भी आपका फॉर्मेटिंग लगा हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ गया ना। तो मान लो पहले से पांच लगा हुआ है छठा हम लगा रहे हैं तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि छठा है। तो यहाँ पे होता है कि सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशन सिलेक्शन कंडीशन डॉट काउंट मतलब कि जैसे जैसे फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे उसकी काउंट होगी और जो सबसे लास्ट वाला होगा जो पांच है तो पांचवा हमारा है तो उसकी प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी फर्स्ट प्रॉपर्टी और हमने यहाँ पे उसकी कंडीशन अप्लाई की मिल गया। सर समझ नहीं आया ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी सर प्रायोरिटी बता रहा हूँ आपको देखिए इसके लिए कंडीशन प्रॉपर्टी वाले पांच में जाना यहाँ हमने कंडीशन मैनेज देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है ना हाँ जी। अब नया कोड हम करेंगे तो एक्सेल कंफ्यूज नहीं होगा कि फॉर्मेटिंग किस पे अप्लाई करना है क्या अप्लाई करना है या नया जो हम दे रहे हैं उस पे अप्लाई करना है क्योंकि हम फॉर्मेटिंग जो लगाते हैं वो बाद में लगाते हैं ना जी। पोजीशन यहाँ पे देखिए वन पोजीशन से कि पहला कंडीशन फॉर्मेटिंग मतलब कि जो कंडीशन फॉर्मेटिंग का लिस्ट है हमारा उसमें जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है उसकी कंडीशन का कलर को हम कलर को शेड कर हमें चेंज करना अच्छा समझे। तो प्रॉब्लम है जब मैं मान लीजिए कोई न्यू रूल लगाऊंगा मान लीजिए कि मैं कोई न्यू रूल लगा दिया बिटवीन का अच्छा इसमें जाना पड़ेगा बिटवीन का लगा दिया अभी क्या हुआ बिटवीन दूसरे आपका ये हो गया ना दो आ गया अब कंफ्यूज हुआ तो एक्सेल ने क्या किया कि जो नया फॉर्मेट लगा है उसकी उसको सबसे पहले नंबर पर पोजीशन पे दे दिया और फिर उसकी फॉर्मेटिंग सेट कर समझे उसका पोजीशन चेंज कर दिया। अब इसको देने की जरूरत नहीं है हम नहीं भी देंगे तो काम चलेगा क्यों क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बाय डिफॉल्ट जब हम नया कंडीशन ऐड करते हैं तो हमारा वो पहले नंबर पे ही होता है जैसे हमने कोई नया यहाँ पे मान लो कंडीशन यूज किया टॉप टेन का तो देखिए टॉप टेन पहले नंबर पर आया ना पहले नंबर पे हाँ जी। तो लेकिन सिक्योरिटी के लिए कि भाई ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए लगा दिया जाता है अभी मान लीजिए इन केस अगर नहीं हुआ तो इस पे प्रॉब्लम हो गई तो इसलिए लगाया गया। तो सर कौन सा आएगा इसमें जैसे अगर हमें हमें हमेशा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल देगा ठीक है आप अप्लाई करके देखिएगा ना आपको समझ में आ जाएगा। तो रेंज के ऊपर फॉर्मेटिंग करना जान गए क्या सर। हाँ जी सर ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है अगर हमें हमेशा चेक करना होगा उसमें जैसे अगर मुझे कोई और फॉर्मेटिंग लगानी है उसी रेंज पे दो तीन कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो आप लगाते जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं अगर मुझे वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं और यूज करनी हो तो मुझे नंबर देना होगा ना उसमें या नहीं हाँ। उसको देखना पड़ेगा ऐसे नहीं
तो 1 2 3 ऐसे चलेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे? अच्छा आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़े सर। अब फॉर्मेटिंग के बाद अब बात करते हैं हम वेरिएबल्स की, क्योंकि आगे का जो टॉपिक हमारा पढ़ना है उसमें वेरिएबल्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है विकास जी, वेरिएबल्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों मैं भी बता दूंगा। सबसे पहले जानिए कि वेरिएबल्स है क्या और क्यों अप्लाई करते हैं। चलिए फिर मैं आपको एक बुक दूंगा, उस बुक के कुछ चैप्टर्स को पढ़ने हैं आपको, फिर उसके बाद हम आगे की टॉपिक को कवर करें। अब यहां पे जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट में सब, मान लीजिए कि हमें अगर 10+20 करना है, हमें करना है कि 10+20। अब 10+20 का जो रिजल्ट 30 आया है, इसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, बिना स्टोर किए तो नहीं होगा क्या सर? 10+20 को 30 जो आया उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम खाए तो देंगे रेंज, आप दे दिया कि A1.value=10+20=30। तो लेकिन मुझे यहां पर रेंज को इंगेज करना पड़ा, तो उस केस में हम कोई भी अल्फाबेटिक ले लेते कि y=10+20, तो y का मान हो गया 20। अब कहीं भी मुझे 30 की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम MSG बॉक्स लगाता हूं और वहां पे मैं y लिख दूंगा। अब मैं इसको फॉरवर्ड किया, यहां देखिए 30 आ गया, आ गया सर? यस सर। हां जी तो आपका ये 30 आ गया। तो वाई है क्या? तो एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन है, आपके सिस्टम पे टेम्पररी वो सेव करता है ताकि हम कहीं से रेफरेंस ले सके। लेकिन इसको हम डिफाइन के भी ले सकते हैं और इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन कैसे किया जाता है कि डिम आर एज ए हमने कर दिया इंटीजर। अब डीम क्या है? डीम फॉर डायमेंशन, मतलब कि आपके हार्ड डिस्क में कहीं भी किसी भी डायमेंशन में जाएगा, एक स्पेस को कैप्चर करेगा, उसका नाम आर देगा। अब इंटीजर क्या है? दिस इज द कास्ट, यहां भी अब कास्ट सिस्टम है सर। कास्ट इट मींस क्या हुआ कि इंटीजर के कास्ट का ये हो गया, मतलब कि अपने यहां अपने स्टोरेज में सिर्फ वो इंटीजर टाइप के डेटा को ही रखेगा। अब इंटीजर टाइप का डेटा क्या है, क्यों किया जाता है कास्टिंग इसका? तो वैलिडेशन एंड लिमिटेशंस के लिए। जैसे कि अब कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि डिम डी एज ए बाइट, पहला आता है सबसे छोटा बाइट। तो बाइट भी क्या हो गया कि 0 से लेके आप 255 तक के डेटा को स्टोर कर सकते हो। अगर 255 से ऊपर की डेटा स्टोर किए तो आपको वहां पे क्या आएगा? एरर, एरर आएगा मैसेज। पहले आप ये चीज को समझ लिए ना कि हमें वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है, ये चीज समझ में आ गया ना? हां जी। कैलकुलेशन और टेम्पररी डेटा को होल्ड करने के लिए जरूरत है। अगर हम वेरिएबल्स नहीं लेंगे तो एक सीट के किसी रेंज को हमें कैप्चर करना पड़ेगा,
और हो सकता है कोई सीट पे पहले से डेटा हो तो उसको गैप कर देगा, इसलिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। पहला रीजन ये है, ठीक है ना। दूसरा रीजन भी मैं बताऊंगा, पहला रीजन समझ में आ गया आपको। अब बात आती है कि किस किस के तरह के डेटा होते हैं, डिफाइन कैसे करना है वो समझ में आ गया। अब इंटीजर की जगह कास्टिंग क्या क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो डीम एज ए बाइट, बाइट पे आप 0 से लेकर 255 तक के ही नंबर को सेव कर सकते हैं। फिर आता है कि डिम, बी के बाद इंटीजर है आपका बुलियन, बी एल एज ए बुलियन, बुलियन। अब इसमें एक और फायदा देखिए कि हमने बिलियन नाम को बुलेबल डिफाइन कर लिया, तो जहां भी मैं बीएल लिख के इक्वल करूंगा मुझे ट्रू एंड फॉल्स का ड्रॉप डाउन दे देगा, मुझे मैन्युअली लिखना नहीं पड़ेगा। एक बेनिफिट आपका ये भी हुआ ना, डिम आई एज ए इंटीजर आप देख ही रहे हैं। इंटीजर के अंदर में क्या है कि आप वहां पे -32,000 टू +32,000 समथिंग, पूरा एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, आप इसमें स्टोर कर सकते हो, बट डेसिमल इसमें स्टोर नहीं कर सकते। समझ गए? हाँ जी। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा अगला जो आता है वो आता है लॉन्ग, कि डिम एल एज ए लॉन्ग, और इस पे आप जो है बहुत ज्यादा वैल्यू असाइन कर सकते हैं माइनस प्लस, बट डेसिमल इस पे भी आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है? Yes. डेसिमल नहीं से कर सकते हो। तो लॉन्ग जो होता है डेसिमल इससे बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है? इंटीजर से बड़ा होता है, लेकिन डेसिमल आप इस पे भी स्टोर नहीं कर सकते। समझ गए? हाँ जी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए इसकी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि डेसिमल्स के लिए कौन सा लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है कि डिम डी एज ए डबल, इस पे ओ डेसिमल भी डाल सकते हो और सबसे ज्यादा नंबर की कैपेसिटी इसके पास होती है। ठीक है? उसके बाद डेट एंड टाइम के लिए चाहिए, तो एज ए डेट इस पे आप डेट एंड टाइम कर सकते हो। अब जैसे कि आप जो है यहाँ पे अगर मैं डी टी इक्वल टू 1-Jan और यहाँ पे 2018 दे दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। समझ गए सर? हाइफ़न और स्लैश लगा दिया तो फिर भी दिख जाता, फिर भी वो कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमें डी टी जो है डेट पे लेता है, तो कैश डेट को जिस फॉर्मेट में लिखोगे वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास होता है एज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? वो टेक्स्ट होता है, एबीसीडी। समझ गए? हाँ जी। तो इसके ऊपर आप नॉन कैलकुलेटिव डेटा, चाहे वो नंबर हो या टेस्ट हो, आप डाल सकते हो टी के ऊपर। अब एक कंफ्यूजन आएगा कि हमें पता नहीं यार मैं डेटा किस तरह का, कुछ डेटा कभी टेस्ट हो जाता है, कभी नंबर हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है।
तो वहां पे आप डिम वी एज ए वेरिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएंट पे अगर आपने v इक्वल टू नंबर कर दिया तो वेरिएंट नंबर बन जाएगा, डेट कर दिया तो डेट, टेक्स्ट कर दिया तो टेक्स्ट बन जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास ऑलराउंडर है तो मैं बॉलर और क्या बोलते हैं बैटमैन एक्स्ट्रा क्यों करूं, मैं सारा ऑलराउंडर ही रख लू क्या, कुछ मिल ना पाता। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं तो एक स्पेस कैप्चर होता है, ठीक है। आप अपने सिस्टम पे कुछ भी करते हैं तो एक आपका एक स्पेस कैप्चर होता है। तो अगर आपने बाइक लिया तो दो बाइक होगा, अगर आपने इंटीजर लिया तो चार बाइक, अगर आपने ऐसे ही लॉन्ग लिया डबल लिया तो ऐसे ही बढ़ता है। तो आपने जो अंदर सबसे जो बड़ा हमारा क्या है, सबसे बड़ा है हमारा वेरिएंट या वेरिएंट। तो वेरिएंट लेते हो तो सिस्टम में 32 बाइट का स्पेस कैप्चर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा सिस्टम में तो 1 TB का हार्ड डिस्क है, 2 TB का और 8 GB रैम है, ये बाइट से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या ये सोच रहे हैं ना? नहीं सर, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होगी सर। नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है कि सिस्टम के अंदर में एक सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे आर्डर दिया है उसकी एक लिमिटेशन 255 KB। कितना सर? 255 KB। अगर 255 KB से बड़ा हुआ तो प्रोसीजर टू लार्ज का एरर है, समझ गए? प्रोसीजर टू लार्ज का एरर देगा और आपका काम नहीं बनेगा। तो छोटे मोटे माइक्रो बनाने में इसका कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अगर आप बड़ा माइक्रो बनाते हैं उसमें ये फर्क दिखता है, समझ गए? विदाउट ये तो हो गया डेटा टाइप। अब डेटा टाइप के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप। तो चलिए ऑब्जेक्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट टाइप होता क्या है उसको जाने, और फिर इसकी जरूरत क्या है और ऑब्जेक्ट टाइप में क्या क्या होता है। आपको याद होगा कि मैंने आपके आपके पास एक जो है इसमें सिलेक्शन मेथड में एक टॉपिक कराया था। चलिए वही टॉपिक मैं कराता हूं कि r इक्वल टू हम यहाँ पे डिफाइन, अब डिफाइन जान लिया तो डिफाइन कर लेते हैं r कॉमा c एज ए लॉन्ग क्या, और यहाँ पे c इक्वल टू किया रेंज x f d डॉट रेंज नहीं डॉट एंड होगा माफ कीजिएगा डॉट एंड और एक्सल टू लेफ्ट डॉट कॉल, और सेम आर इक्वल टू हमने लिखा यहां पे सेल सेल्स 65,000 सी कॉलन, और वहां पे हमने क्या किया डॉट एंड एक्सल डाउन डॉट रो। उसके बाद हमने यहां पे लिखा रेंज ए वन डॉट सेल्स आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट, या सिलेक्ट हो गया फॉन्ट हो गया, अब बाकी चीजें भी इस पे अप्लाई की जा सकती है क्या।
अब इसमें इसको मैं रन करके एक बार देखता हूँ कि सिलेक्शन करता है कि एरर देता है। आर आर नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए, एक ही नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए, इसलिए एरर दिया और यस पे रन किया। तो यहां देखिए, एक मिनट, ओ एक्सेल डाउन है, हमें एक्सेल अप करना था ना, पे इससे गड़बड़ हुआ। आपको नींद पूरी नहीं हुई है ना, इस कारण से आंख माइंड सही से काम नहीं कर रहा है। डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए कि मुझे इसी डेटा पे अभी फॉन्ट अप्लाई कर देना है, आगे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, आगे बहुत सारी चीज करनी है ना, तो मुझे हर बार इतना कोड लिखना पड़ेगा क्या? अभी मैंने मतलब सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करके हम इसको कॉपी करा लेते हैं यहाँ पे कि सिलेक्शन डॉट कॉपी, और फिर हम दूसरे सीट पे ले आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, फिर वापस आएंगे, फिर मुझे इसको इस पे फॉन्ट अप्लाई करके फिर इसको कॉपी करके किसी और ले जाना, तो कई सारे काम करने हैं, तो हर बार मुझे इतना झमेला लेना पड़ेगा ना क्या? तो उस केस में क्या करेंगे बता, हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट पर कि डिम, हमने बोल दिया एस आर एज ए रेंज, और यहां लिख देंगे कि सेट एस आर इक्वल टू रेंज, यहां सिलेक्शन हटा देंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट टाइप जब भी डिफाइन करना सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको असाइन सेट से करते हैं, समझे ना? एस आर, अब मुझे कुछ भी करना है, जैसे कि एस आर डॉट, यहाँ पे लिखिए एस आर डॉट सिलेक्ट, तो रेंज पे जो भी आएगा वो सारा यहां आएगा, एस आर डॉट कॉपी, एस आर डॉट फॉन्ट, समझ गए? सर ये कैसे फाइनल होगा कि हमने क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप लिया यहाँ पे, जैसे आपने हमने यहाँ पे दिया रेंज ऑब्जेक्ट टाइप ना, रेंज नॉट ए डेटा टाइप, डेटा टाइप ऊपर जो बता दिया और डेटा टाइप है आपके, रेंज एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, एक सेल सेल ऑब्जेक्ट हुआ ना, इसलिए रेंज लिया हमने। तो हमने जैसे इसको जैसे दो, आपने दो करेक्टर लिखा है एस आर, उसको हम एक्स भी ले सकते थे, कोई फर्क तो नहीं? हाँ कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा मतलब कि सिलेक्शन रेंज। अब उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया कि डिम मान लीजिए एस टी एज ए वर्कशीट, वर्कशीट ठीक है, हमने कर दिया कि सेट एस टी इक्वल टू शीट्स शीट वन। अब एस टी के ऊपर कुछ भी करवा लीजिए कि एस टी डॉट कुछ भी करा लीजिए आप, एक्टिवेट एक्टिव सी एस टी डॉट नेम, एक्टिव डॉट मूव, कॉपी, टाइप कलर, कुछ भी करा सकते हैं। ऐसे आप यहां पे ये भी कर सकते हैं कि डिम डिम डब्ल्यू एज ए वर्क बुक, और यहां पे हमने क्या सेट डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्क, एक बार साइन कर ले उसके बाद कुछ भी हो जाएगा वो असाइन रहेगा ना, समझ गया ना? अभी एक्टिव वर्कबुक मैंने कर दिया, अब उसके बाद दूसरा कोई वर्कबुक एक्टिव है, लेकिन जिस समय एक्टिव हुआ इस पे स्टोर हुआ तो वही एक्टिव वर्कबुक स्टोर हो जाए। जैसे बुक वन अभी एक्टिवेट है और बुक वन स्टोर हो गया, अगर मैं बाद में मैंने बुक टू बुक थ्री बुक फाइव बहुत सारे लोगों को एक्टिवेट करा दिया, लेकिन जब एस पे जाएंगे तो बुक वन को ही रेफर करेगा क्योंकि अपने पास स्टोर कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे हमने एस आर के ऊपर रेंज जो अप्लाई कर लिया, आप कहीं भी चले जाएंगे एस आर को कॉल करेंगे तो ही होगा, जैसे कि डिफाइन नेम होता है ना एक्सेल के अंदर में, या आपने सीट को डिफाइन कर दिया तो किसी भी सीट से अगर उस नेम को कॉल करेंगे तो इसी एरिया को कॉल करेंगे, yes, तो सेम थिंग यहाँ पे जाता है। तो इसी तरह से आप जैसे कि वर्क आपके रेंज हो गया, वर्कबुक हो गया, वर्कशीट हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे हम डिम सी एज ए चार्ट्स हो गए, आगे चल के चार्ट्स डिम सी एज ए पिवट टेबल, पिवट कैच होता है, पिवट टेबल नहीं होता है ठीक है ना, डिम
डब्ल्यू एज ए, अब इसमें एक चीज और होता है कि डब्ल्यू एज ए वर्ड, यहां देखिए डब्ल्यू एज ए वर्ड डॉट एप्लीकेशन, ठीक है, डिम पीपीटी एज ए पावर पॉइंट पावर पॉइंट का इसमें नहीं है, ये लाने के लिए होता है, अगर मान लो कोई नहीं आ रहा है तो एज ए मैं ऑब्जेक्ट कर दूंगा ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पे हो जाएगा सेट पीपीटी इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिस्ट में है तो ठीक है, वरना आप क्रिएट ऑब्जेक्ट से इसको कर सकते हैं कि पावर पॉइंट डॉट एप्लीकेशन आउटलुक डॉट एप्लीकेशन इंटरनेट डॉट एप्लीकेशन, ऐसे ये चीज हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज हम करते हैं। सर ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए हैं, पहले तो आपने डेटा टाइप बता दिए थे सारे इंटीजर ये, हाँ अब ये ऑब्जेक्ट है सारे। ऑब्जेक्ट टाइप डिपेंड करता है आपके सपोर्टिंग एप्लीकेशन पे, जैसे कि एमएस वर्ड बुक, इसमें आपका एक तो हो गया कि वर्ड बुक क्या होता है, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या है आपके सिस्टम में, ऑब्जेक्ट को पढ़िए ना आपने, जो पढ़ाया मैंने सीट था रेंज था, हाँ जी रेंज और वर्कबुक तीन तो बता ही दिया मैंने, हाँ जी ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट हो गया पिवट कैच हो गया, ऐसे सब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी इसमें अप्लाई होगा जो कि आगे मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। अदर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जैसे कि एमएस वर्ड पावर पॉइंट आपके पास एक्सेस ऑरिकल अदर ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट ऑब्जेक्ट के थ्रू ले जाते हैं हम, ठीक है ना, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी डिफाइन करना मैंने बता दिया ताकि आपको दिक्कत न हो, देखिए तो समझ में गया, समझ गया ये चीज, हाँ जी। अब बात करते हैं कि हम प्रोसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं, अब प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने लिख दिया कि यहां पे सेट एस वाई इक्वल टू सीट्स डॉट एड कर दिया, अब यहां पे लिखते हैं कि विथ एस वाई डॉट नेम इक्वल टू मैंने दे दिया रवि डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड डॉट प्रोटेक्ट पासवर्ड, समझ गए, हाँ जी। तो हम कोर्सेस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि सीट ऐड होने के साथ साथ क्या होता है, जैसे वर्कबुक हम यहाँ पे एक और कर दिया कि सेट डब्ल्यू आर एज ए वर्क बुक डॉट ऐड इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, यहाँ इक्वल यहाँ होगा, इसमें एज नहीं लगता, माफ कीजिएगा, प्रोसेस में एज नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ पे विथ डब्ल्यू आर डॉट सेव एज अपना रेफरेंस दे दीजिए कि भाई सेव फलाना जगह पे होना, इस तरह से आप प्रोसेस को भी डिफाइन कर सकते, इसको भी आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, बट आज टॉपिक चल रही है डिफिनेशन के लिए, तो डिफिनेशन अब इसमें हम डेटा टाइप के ऊपर आते हैं, ठीक है, हमने बोल दिया कि डिम आर एज इंटीजर या वाई एज इंटीजर, तो वाई अब इसमें आगे चलता हूं, आपको एक चीज और यहां समझ लीजिए, अगर मैंने यहां लिख दिया कि डिम वाई एज ए इंटीजर कर दिया, अब मैं यहां y इक्वल टू अगर 20 लिखा, फिर नीचे कहीं पे y इक्वल टू 30 लिखा, तो ये 20 को रिप्लेस करके 30 कर देगा, समझ में आया, हेलो, हां जी। अगर मुझे अगर दोनों रखने हैं
तो मुझे यहाँ पे वाई और एक जेड नाम का दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे फिर जेड लिखना पड़ेगा। तो वाई पे जो आ गया 20 ऐड हो गया और जेड पे 30 ऐड। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ऐसे 50 इंटीजर अपने स्टोर करवाने, तो 50 इंटीजर स्टोर करवाने तो 50 वेरिएबल राइट करना तो मुश्किल है क्या, है ना मुश्किल, या 500 या 5000। तो उस केस में हम एरे लेते हैं कि डिम हमने वाई दिया और इसमें लिख दिया 1250 एज इंटीजर। अब यह होगा कि वाई 1 = 50, वाई 2 = 60, y 3 = 8। समझ में आया? हाँ जी। तो इसको एरे बोलते हैं। इसमें रो एंड कॉलम दोनों होता है कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया ये रो हो गया और कॉलम बोल दिया कि 1 to 5, तो क्या हो गया पता है? इसने अपने सिस्टम में क्या डिफाइन किया बताता हूं कि इस तरह से एक टेबल डिफाइन कर दिया जिसके अंदर 5 columns and 50 rows है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इसका नाम इसने y रख दिया और a1, 2, 3, 4 and that's 5 और 1 to 50 तरह से सीट का कैसे होता है इस तरह से। अब इसमें वैल्यू कैसे स्टोर होगी? अब वैल्यू स्टोर होने का तरीका देखिए, तब लिखाएगा यहां पे कि y पहला रो पहला कॉलम इक्वल टू 50, तो पहले रो एंड पहले कॉलम यहां 50 दिखतेगा, फिर y दूसरा रो एंड पहला कॉलम इक्वल टू 30, तो इसी के दूसरे रो पहले कॉलम में, ऐसे हम यहां पे कर दिए पांचवा कॉलम तो फिर वो पांच दूसरे रो और पांचवें कॉलम में जाके लिखे। तो इसका यूज कब होता है? जैसे पूरा का पूरा सीट को हमें अपने वीवीए में लेके आना है, फिर उसके रेबल करके फिर आपको आगे इनपुट करना है, उसे लिस्ट बॉक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया। समझ गए? हाँ जी। विश्वराज जी समझ में आया? हाँ जी सर। ओके। विकास जी आपको? हाँ सर। तो हमने यहाँ पे दो टॉपिक खत्म किए। पहला टॉपिक आपका रेंज फॉर्मेटिंग, दूसरा टॉपिक डेटा टाइप्स वेरिएबल्स। तीसरा टॉपिक पढ़ना है? पढ़ लेते सर। चलिए तीसरी टॉपिक की बात करते हैं, लूप। तीसरा टॉपिक है हमारा लूप का। तीसरा टॉपिक में ज्यादा नहीं ट्रामा क्योंकि लूप बहुत बड़ा चीज है और आपको अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, तो तीसरे टॉपिक की थोड़ा सा कमी पड़ते हैं। नेम रोल एंड मार्क्स, नहीं यहाँ पे नेम हो गया सिटी और यहाँ पे हम देते हैं मार्क्स, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है डेटा टाइप से। एक छोटा सा हमने एक अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या होता है कि इसको कॉपी पेस्ट करना, जैसे मुझे 5 बार चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करता, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूं इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग कोई मैक्रो बना, तो उस केस में क्या करें? चलिए सब्जेक्ट आर आर
यहाँ पे देंगे फॉर्मूला, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, कॉपी करने का क्या है, ए वन से सी सिक्स डायनेमिक होगा तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ले देता हूँ ए वन, यहाँ पे ए वन से सी सिक्स, सी सिक्स डॉट कॉपी, और पेस्ट इसी के नीचे करना है। तो मैंने दिया रेंज ए 65,000 डॉट एम एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। तो थोड़ा ऑफसेट को समझाइएगा, मैं कंफ्यूज होता हूँ इसमें। क्या किसपे बोल रहे हैं तुम कंफ्यूज हो रहे हैं? रजनीकांत सर, ऑफसेट, ऑफसेट जो है सर, इस पे थोड़ा मैं कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी। कर्सर जहाँ पे है, जैसे कि हमने क्या बोला, देखिए हमने बोला कि 65,000 मतलब नीचे से ऊपर आएगा, आया अब इसी पे तो पेस्ट नहीं कर देगा ना, इसकी अगली सेल पे पेस्ट करना है ना। तो कर्सर हमने वन कर दिया रो में, तो कर्सर यहाँ ले जाएगा, तब यहाँ पेस्ट होगा, लेकिन कर्सर मुझे यहाँ भी नहीं, मुझे यहाँ पेस्ट करना है, मतलब कि दो रो छोड़ के पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे वन के जगह पे टू कर दूंगा तो दो रो हो जाएगा। अगर कॉलम छुड़वाना है तो कॉलम में देना पड़ेगा आपको। अब मैं इसको रन करता हूं तो कॉपी पेस्ट कर देना है, कर दिया, लेकिन एक ही बार किया, मुझे जब पांच बार करना है तो मेरे पास क्या है तरीका कि इस लाइन को पांच बार मुझे लिखना पड़ेगा, तो फिर वो पांच बार चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि अगर 50 बार हुआ, 500 बार हुआ या 5,000 बार हुआ तो ये बहुत बड़ा टीडीएस जॉब बन जाएगा ना। तो मुझे वीवीए कोड को, एक ही कोड को कई बार रन कराने होते हैं, एक ही कोड को कई बार रन कराने होते हैं, उस केस में लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 5 और यहां पे हमने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार। हमने आई को डिफाइन नहीं किया, हाँ सर क्या बोला आपने? सर हमने आई को डिफाइन नहीं किया, इससे पहले भी तुमने कई बार डिफाइन नहीं किया है ना, जरूरी नहीं है डिफाइन करना, अगर डिफाइन नहीं करते हो तो वो वेरिएंट बन जाता है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आई क्या है, आई इज द वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे काम करता है काउंटर का, मतलब कि काउंट करने का, कि जो लूप है कितना वर्न हो चुका है। अब इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यहाँ डिबग में स्टेप इनको आपका एफेट है, इसको यूज करेंगे। देखिए एफेट चला, अब यहां पे आई अभी जीरो है, इम्पेक्टिव मतलब कुछ नहीं है, जैसे ही फोर चलेगा आई क्या हो जाएगा वन, फिर नेक्स्ट चेक किया, फिर देखिए आई टू हो गया, फिर वापस चला 3, 4, 5, पांच बार चल गया, अब ये बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आई सिक्स हो गया, ये पांच तक ही चलना है, तो नेक्स्ट इसको बाहर कर। तो आई एक वेरिएबल है जो कि काउंटर काम करता है, वो काउंट करता है कि फोर कितना बार चल चुका है,
सिंपल, ठीक है जी। इसका यूज हम लोग फोर में कर लेते हैं। अब इसका इस्तेमाल एक चीज और सीट के लिए होता है, जैसे कि मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, मुझे हर शीट का नाम जो है डेटा रखना, डेटा 1, 2, 3 कैसे रखना, तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे देखिए। फोर यहाँ पे माफ कीजिए सब्जेक्ट देना पड़ेगा पहले, इस सब्जेक्ट RR/1 लाइक ओपन क्लोज, यहाँ पे मैंने दिया सब्जेक्ट यहाँ पे कि फोर I इक्वल टू 1, 2 चले, कितना चले sheets.com, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं कितना शीट है, हो सकता है बढ़ जाए हो सकता है घट जाए, इसलिए हमें sheet.com दे दिया। अब यहां पे हम देते हैं कि sheets I dot name इक्वल टू डेटा एड, ठीक है, और नेक्स्ट आए। अब इसको समझिए एफर्ट से, एफर्ट करना था ना एफर्ट। अब यहां पे देखिए I इक्वल टू 1 हुआ, इसको 1 मिला तो पहले सीट पे चला जाएगा, और डेटा के साथ कंबाइन हो गया 1 तो डेटा 1 हो जाएगा, क्या दूसरा बार चला सीट आई 2 है तो दूसरे सीट पे जाएगा और सीट 2 कर देगा, ऐसे ही आगे वो कंटिन्यू चलता रहेगा सीट 7 का, सीट 8 में ही है काटे, क्लियर है जी। लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, तो एक बुक अभी आपको हम दे रहे हैं जिसको आप मार्केट में जाकर परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है सर जी। अभी फॉरवर्ड कर रहा हूं आपको, तो जो बुक भेज रहा हूं उसके पेज नंबर 199 का जो चैप्टर है वो एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बुक ये प्रिय बुक है, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं, सबको चाहिए हाँ जी सर। सर मेरी मेल आईडी नहीं है इसमें, आ जाएगी, इसे घबरा जाते हैं आप। आ गए, आ गए। और किसी की मेल आईडी छूटी हुई है? श्वनी जी मैंने आपको 9 बजे की बात की थी, आप 11 बजे मैसेज मांग रहे थे सर, क्लास ज्वाइन कर लें, आपने बोला था 11 बजे के लिए, आज 11 बजे वीवीए है, 9 बजे हमारा, हाँ अच्छा आप भी तो वीवीए ही चाहिए था ना आपको, नहीं नहीं हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस बुक के पेज नंबर 199 को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा,
आज की एक्सेस की बुक होगी, ये वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की बुक है सर, कोई एक्सेस की बुक होगी वो भी, ठीक है देखता हूँ मेरे पास अगर होगी तो भेज दूंगा, देखना पड़ेगा ड्राइव में। सर ये आप जैसे ईमेल करते हैं सारी जो सिंटैक्स है ये करेंगे ना आप? कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ सर ये कर दीजिए प्लीज, इसे पैसा खर्च नहीं होता है ना, पैसा खर्च करने वाला काम नहीं होता सर, बस हाँ जी याद करा था, सीरियस मत लीजिए ना मैं आपको, याद नहीं करेंगे तो सब ऐसा लगेगा सब सो गए हैं कि क्लास में। ठीक है मैं सारा कोड आपको मैसेज कर देता हूँ। हाँ जी सर, सर ये काफी यूजफुल रहता है ऐसे कंपनी में ना, तो कई बार ही मैं यूज कर लेता हूँ उसमें तो। ठीक मैंने सारी कोड को मैसेज कर दिया, मेल कर देता हूँ आपको, ठीक है रिप्लाई कर देता हूँ। सर वो जो दो क्लासेस जो हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग सर उस इनकी रिकॉर्डिंग पे भेजा है सर आई थिंक आपने, क्या ये तो सर पिछली दो क्लास तो आपने YouTube पे भेजी है ना सर? हाँ YouTube पे डाल दिया था मैंने आपको, हाँ वही मैंने देखी थी सर दोनों, फॉरवर्ड कर दीजिएगा बाकी टीम को, ठीक है मुझे ढूंढना पड़ेगा आपके पास तो होगा ही, हाँ हाँ मेरे पास है सर, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, सबको भेज दूंगा, आज की क्लास YouTube पे चली जाएगी आधे घंटे में, तो आप आधे घंटे बाद मेरे चैनल से ले लीजिएगा, ठीक है सर? ये तो रिकॉर्ड कर लिया हमने तो इसमें ही रहेगी ना आप ये? हाँ अभी रिकॉर्ड तो सिस्टम पे आ गया ना, तो फिर तो सिस्टम पे आ गए, लेकिन YouTube पे एक बार उसको लिंक सेव कर लीजिए, मान लीजिए कभी डिलीट भी हो गया तो। हाँ जी ठीक है, सही बात, ठीक है सर, तो